आज हम डिस्कस करेंगे, मौसम बहुत तेजी से चेंज हो रहा है जिसकी वजह से बच्चों में और बड़ों में स्टोमिक रिलेटेड इश्यू बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है, और मेजर इसमें है मोशन। वो क्यों लगते हैं, हम इसको क्विकली किस तरह बेहतर कर सकते हैं, आज हम इसको डिटेल से बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर उमेर है, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपको आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियो टाइम से मिल सके। नीचे ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पे आप मुझे इस वीडियो के रिलेटेड या रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मोशन के क्यों लगती है। मोशन हमारे लिए, हमारे स्टोमिक में दो तरह के बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया होता है, एक बैड बैक्टीरिया होता है। और जब गर्मी होती है, गर्मी में बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ जाती है। एक तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब हम पानी कम लेते हैं, मौसम गर्म होने की वजह से हमारा पसीने की वजह से एक्सपेल्ड आउट होता है, और उसमें इसकी ग्रोथ के चांसेस बढ़ते हैं, और वो इन्फेक्शन कॉज करता है जिसकी वजह से बच्चों में मोस्टली और बड़ों में डायरिया हो जाता है। आप इसमें कोशिश क्या करें, सबसे पहले तो अपना लिक्विड का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें और अपनी हाइजीन प्रोसेस रखें। और अगर खुदा ना खास्ता आपको मोशन लगती है तो बच्चों में इनफ्लोर साशे है, 2 साल से ऊपर के बच्चों को आपने इनफ्लोर साशे दही में डाल के आप इसको दे सकती हैं, और बड़ों में ये सुबह शाम आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। इंशाल्लाह इसके जो बैड बैक्टीरिया है उसको ये डिक्रीज करता है और गुड बैक्टीरिया को ये बेहतर करता है। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपको काफी हद तक हेल्प आउट होगी। अगर इन्फेक्शन बढ़ती है तो अपने डॉक्टर से नियर बाय कंसल्ट लाजमी करें, और इस वीडियो के रिलेटेड अपनी कमेंट सेक्शन में जाकर राय लाजमी दें। अल्लाह हाफिज़।